राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ बड़ा हादसा होने की खबर आ रही है। जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव पटना में रावड़ी देवी आवास में सीढ़ी चढ़ने के दौरान गिर पड़े। आनंद फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया है। चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव अभी पटना के रावड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर रहते हैं। बताया जा रहा है कि हादसा शनिवार की देर शाम में हुआ है। लालू यादव का सीढ़ी से उतरने के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़े। आनंद फानन में घर में मौजूद लोगों ने उन्हें इलाज के लिए एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। लालू यादव के दाहिने कंधे और उनकी कमर में चोट लगी है। जांच के बाद डॉक्टरों का कहना है कि ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। लालू यादव के दाएं कंधे में माइनर फ्रैक्चर है, इसलिए उन्हें घर में ही आराम करने की सलाह दी गई है। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के घायल होने की खबर सामने आने के बाद से ही आरजेडी कार्यकर्ता और लालू के चाहने वालों की रावड़ी आवास के बाहर भीड़ जुट गई है। पार्टी सुप्रीमो का हाल जानने के लिए आरजेडी नेता भी रावड़ी आवास पहुँच रहे हैं। बता दें कि चारा घोटाले के मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं। इस समय वो 10 सर्कुलर स्थित पूर्व मुख्यमंत्री व पत्नी रावड़ी देवी के सरकारी आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।